जैकबाबाद में इत्तेहाद अहले सुन्नत के चेयरमैन सैयद एजाज शाह बुखारी की दरगाह सैयद अब्दुल नबी शाह बुखारी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक टहल में कुरान पाक और दरगाह सैयद कलंदर शाह जिलानी की बेहरमती के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सैयद एजाज अली शाह बुखारी का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि कुरान पाक और दरगाह सैयद कलंदर शाह जिलानी की बेहरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और जिन्होंने बेहरमती की इनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, और मुतालबा करते हैं कि पाक फौज, रेंजर्स, चीफ जस्टिस, SSP जैकबाबाद और DIG लाड़काना और IG सिंध और दीगर से अपील है इस वाक़े का नोटिस लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कुरान शरीफ सारे जलाए गए। अहले सुन्नत वालों, आज हमारे साथ मुलाकात की DIG इंचार्ज और DSP ने, SSP साहब की सारी टीम आई। हमें यकीन दिलवाया गया कि इंशाल्लाह ताला कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार भी करेंगे, शरपसंदों को, और उन्हें इबरनाक सज़ा भी दी जाएगी। हम इस मकसद में अंदर कामयाब हो गए हैं क्योंकि हम उधर पहुंच भी गए हैं। हमने उनको रास्ता भी बताया है कि ये रास्ता है, क्योंकि हमें सिकंदर शाह ठुल वालों ने, साईं दामन शाह के बेटे ने बताया है, वो हमने उसको बता दिया है। ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करके, फिरका वरायत करके, क्या पाकिस्तान के अमन को आप तबाह करेंगे? सलाम पेश करते हैं हम पाक ट्रैफिक के शोदा को, सलाम पेश करते हैं हम पाक FC के शोदा को, सलाम पेश करते हैं हम पाक प्रेस वाले शोदा को, सलाम पेश करते हैं जो सच लिखते हैं। फिर भी मैं SSP जैकबाबाद को कहूँगा कि मेहरबानी करके आप इस पे नोटिस लें, आप दरगाह कलंदर शाह जिलानी के अंदर जाएं, जाए वारदात आप खुद अपनी आंखों से देखें और हमसे मुलाकात करें।